नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। कानपुर में महासंपर्क अभियान की समीक्षा करने आए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उन्होंने उम्मीद जताई यहां कि पार्टी जल्द ही 10 करोड़ की सदस्यता पार कर लेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल पार्टी को नया आयाम दिया जाएगा। पूरे देश में एक भी ऐसा घर नहीं होगा जहां बीजेपी को कोई ना जानता होगा। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि आने वाले 25 सालों तक बीजेपी का यूपी में दबदबा रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इसके लिए हर 6 साल में पार्टी का पुनर्गठन करना होगा। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अमित शाह ने यह कहा कि 1.5 साल में विपक्षी पार्टियों को यह पता चल जाएगा कि बीजेपी की योजना क्या है और बीजेपी की सरकार क्या है। तो आज कानपुर में महासंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए आए थे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उन्होंने यहां कानपुर में ये उम्मीद जताई कि पार्टी जल्द ही 10 करोड़ की सदस्यता पार कर लेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को नया आयाम दिया जाएगा। इस साल पूरे देश में एक भी ऐसा घर नहीं होगा जहां बीजेपी को कोई ना जानता हो। तो बीजेपी ने मिशन 2017 के लिए कमर कस ली है। यूपी में भी बीजेपी मोदी के मैजिक के सहारे सियासी वैतरणी पार करने की तैयारी में है। 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी का चेहरा होंगे। कानपुर में बीजेपी की समीक्षा बैठक में पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की तस्दीक की। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी के देशभर में 11.5 करोड़ सदस्य हैं जिनमें 1.86 करोड़ सदस्य यूपी से हैं। साथ ही विजयवर्गीय ने 11.5 करोड़ सदस्यों में से 15 लाख को पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाने की बात कही। इसके साथ साथ सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी एसपी सरकार के खिलाफ हमले और तेज करने की तैयारी में है। इसके अलावा बीजेपी की नजर दलित वोट बैंक पर भी है। दलितों का उत्थान भी बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। साथ ही शाहजहांपुर और बाराबंकी की घटनाओं की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। ये टीम ऐसी घटनाओं वाली जगहों का दौरा करेगी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेगी। इस टीम में अश्विनी चौबे होंगे, एमजे अकबर, अर्जुन मेघवाल और मीनाक्षी लेखी शामिल हैं। साधारणतया हम विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और हमारे पास सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में एक बहुत ही आइडियल चेहरा है। हम उनके नेतृत्व में ही अमित शाह जी की संगठन क्षमता के माध्यम से ही हम सारे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार। घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने यहां जो उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए एक राष्ट्रीय टीम उत्तर प्रदेश का दौरा करेगी और जहां जहां महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जहां जहां कानून व्यवस्था खराब हो रही है, उन सभी स्थानों का गहराई से अध्ययन किया जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह को सौंपी जाएगी। कानपुर में बीजेपी की समीक्षा में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कानपुर से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी नदारद रहे। एक तरफ जहां समीक्षा बैठक में बीजेपी के नेता यूपी में मिशन 2017 के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आए, वहीं इस अहम बैठक से मुरली मनोहर जोशी की गैर मौजूदगी से कई सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें, जोशी इससे पहले भी पार्टी के कई कार्यक्रमों में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। मिशन 2017 को लेकर कानपुर में हुई इस बीजेपी की समीक्षा बैठक से पहले आज एक चौंकाने वाला वाकया पेश आया। शहर में लगाए पोस्टरों में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीर पर किसी ने कालिख पोत दी। कालिख पोते जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पोस्टरों पर कालिख पोतने वाला कौन है और पोस्टरों पर कालिख पोतने का मकसद क्या था, यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। कानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पोस्टरों पर कालिख पोतने को बीजेपी ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा बताया है।
नहीं, ये ओछी राजनीति और सस्ती लोकप्रियता का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जानते हैं और जनता जानती है। हमने प्रशासन को कह रखा है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम इसको कोई महत्व नहीं देते। ये सब ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग अपने इसको देखेंगे भी बाद में, क्योंकि प्रशासन से हमने कहा है। और ऐसे ही राजनीति करने वाले मुझे लगता है कि उनको किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को उनके कार्यक्रम में अपने को हाईलाइट कराने के लिए कोई ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। और वहीं समाजवादी पार्टी भी मिशन 2017 को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की दलित रैली हुई। रैली में शामिल हुए एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने यह कहा कि दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीएसपी और मायावती की इजाजत की जरूरत नहीं है। साथ ही धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 2012 में चुनकर आए 87 विधायक दलित समुदाय से थे, जिनमें से 58 समाजवादी पार्टी के थे। आपको बता दें 2017 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी मंडलों में दलित सम्मेलन करेगी। आजमगढ़ से इसका आज आगाज हुआ है। मायावती भी कहती है कि बसपा से जुड़ा हुआ समाजवादी पार्टी इसके लिए क्या मुझे मायावती से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? हम तो अपने पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों भी जा रहे हैं, लोग पसंद करेंगे तो नेतृत्व पसंद करेंगे। यूपी सरकार को अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना लखनऊ मेट्रो के जल्द पूरा होने की उम्मीद है। सीएम अखिलेश यादव ने यह कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। लखनऊ में आज सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो के लिए ड्रेस कोड की शुरूआत की। ड्रेस को निफ्ट रायबरेली में तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली मेट्रो को शुरू करने वाले ई श्रीधरन यहां मौजूद रहे। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत यूपी के दूसरे शहरों में भी मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि लखनऊ में रिकॉर्ड समय में मेट्रो का काम पूरा होगा। लखनऊ का काम जयपुर मेट्रो से भी काफी कम समय में पूरा होने की पूरी उम्मीद है। एलएमआरसी के एमडी साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ लिफ्ट का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार ड्रेस को डिजाइन कर करके हमारी एलएमआरसी को एक नई ड्रेस देने का काम किया, नई यूनिफॉर्म देने का काम किया। जिस तरीके से टीम वर्क के साथ, और मैं ये कह सकता हूं देश में सबसे रफ्तार से, सबसे तेजी से कहीं अगर काम चल रहा होगा किसी मेट्रो पर तो वो उत्तर प्रदेश लखनऊ और आपके मेहनत, आपके सहयोग से। और मुझे भरोसा भी है कि मैं आज कह सकता हूं जैसा नेताजी चाहते थे वैसा ही मेट्रो का काम होगा और बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो राजनीति जो सब कुछ को प्रभावित करती है, इसकी खबरें आप देख रहे थे। आज बड़ी खबरों में यह भी कि बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया कई जगहों पर। गर्मी से तो राहत मिली बारिश की बूंदों से लोगों को, लेकिन लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब भी बन गई कई जगहों पर, और शहर शहर समंदर सा नजर आया। हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें। आप देख रहे हैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इटावा और आगरा की तस्वीरें। बारिश के चलते सड़क पर निकलना बेहद मुश्किल हो गया लोगों का, घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है इससे, और अभी भी लोग इससे काफी परेशान हैं। नोएडा अथॉरिटी से लेकर तमाम जगहों पर प्रशासन के बारिश से निपटने के जो दावे थे उसकी पोल खुल गई। मानसून की इस बारिश में तमाम दावे धुल गए। एक एक जगहों की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं, नोएडा में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक गोदाम की दीवार भरभरा कर गिर गई। सेक्टर 45 के सदरपुर गांव में हुए हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बताया जा रहा है कि गोदाम के पास बनी झुग्गियों पर दीवार गिरी थी जिसकी वजह से ये लोग उसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये हमारे पास सदरपुर कॉलोनी से 6 जने आए हैं घायल अवस्था में। बताया जाता है कि छत गिरने से इनको चोटें आई हैं। मरीजों को भर्ती करके उनका उपचार किया गया है। तो नोएडा में बारिश से हाल बेहाल है लोगों का। जलभराव के चलते लोगों को खासी मुश्किलें हो रही हैं। ट्रैफिक जाम से भी लोग काफी परेशान हैं। आइए देखते हैं नोएडा से हमारे संवाददाता सर्वेश कुमार की ये रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं ममूरा में, जरा इसकी भी स्थिति देखिए कि क्या स्थिति है। ये पूरा रोड पानी से लबालब भरा हुआ है और ये जो गाड़ियां आ रही हैं, ऑटो आ रहे हैं, जो लोग आ जा रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। इतना ही नहीं,
हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पे गंदगी का ढेर लगा हुआ है, ये कूड़ा और कचरा अब पानी में मिल गया है और यहाँ के लोगों को बीमारियां होने शुरू हो जाएगी। ये इचिंग की प्रॉब्लम आम बात होगी। आप देख सकते हैं जो कचरा रोड के किनारे लगा हुआ है वो भी काफी दिनों से नहीं उठा हुआ है और अब उसको उठाया भी नहीं जा सकता क्योंकि ये पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ है। हम अपने कैमरामैन राहुल से कहेंगे कि वो जरा दूर तक आपको दिखाएं इसका नजारा, कि ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर तक कहीं वाटर लॉगिंग हुई हो, ऐसा भी नहीं कि ये कच्ची सड़क है या टूटी हुई सड़क है, ये बिल्कुल बकायदा दुरुस्त सड़क है और काफी लंबे दूर तक 500 मीटर तक आप ऐसे ही देखेंगे पानी लगा हुआ है। जो लोग हैं साइकिल से चलने वाले, पैदल चलने वाले लोग, वो छोड़ दिए हैं। आप उस ऑफिस का जरा नजारा देखिए, जो वो ऑफिस है उस ऑफिस में भी लोग अब काम करने के लिए बड़ी मुश्किल से आते हैं क्योंकि उस ऑफिस के दोनों गेट की तरफ पानी लगा हुआ है और यहाँ से जाना काफी मुश्किल है और इस ऑफिस के दोनों तरफ 500 मीटर इधर 500 मीटर उधर पानी लगा हुआ है। ऐसे में अगर कोई जाता है तो उसको अपने घुटने से ऊपर तक कपड़ा करना होगा, उसके बाद वो जा सकता है। बहुत मुश्किल स्थिति है उनके लिए जो लोग यहाँ जीते हैं। भले ही अथॉरिटी चकाचक हो, भले ही वहां पर रहने वाले लोग साफ सुथरे जगह पे रहते हो, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनकी जिंदगी का अंदाजा इस पानी को देख कर लगाया जा सकता है। सिर्फ पानी ही नहीं, अब तो कचरा भी आम बात हो गई है और ये पानी और ये कचरा अब उनके घरों में घुस रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, नोएडा। और अब खबर चित्रकूट के भीड़ों से। बलखड़िया गैंग के सरगना स्वदेश पटेल उर्फ बलखड़िया के मारे जाने की खबर है। चंबल के भीड़ों में सबसे बड़े डकैत बलखड़िया का शव हालांकि अभी तक मिला नहीं है और पुलिस ने भी इसीलिए बलखड़िया के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का यह कहना है कि जब तक उन्हें सबूत नहीं मिल जाता वो पुलिस रिकॉर्ड में बलखड़िया को मृत घोषित नहीं करेंगे, लेकिन चित्रकूट पुलिस ने बलखड़िया के भतीजे से हुई पूछताछ के आधार पर उसके बारे में जाने उसके मारे जाने की खबर ये सामने आई। आपको बताएं 2 जुलाई को पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसमें 2 पुलिसकर्मी और एक निजी ड्राइवर घायल हुए थे। पुलिस को शक था कि इस मुठभेड़ में एक डकैत भी घायल हुआ था, लेकिन पुलिस को यह पता नहीं चल पाया कि वो डकैत कौन था। अब बलखड़िया के भतीजे पुष्पेंद्र पटेल की गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को बताया है कि मुठभेड़ में बलखड़िया घायल हुआ था और उसकी मौत हो गई है। पुष्पेंद्र पटेल का यह भी कहना है कि गिरोह के ही सदस्यों ने बलखड़िया के शव को जंगल में ही जला दिया। साथ ही पुष्पेंद्र ने यह भी दावा किया है कि उसने बलखड़िया के शव का फोटो भी देखा है। आपको बता दें मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बिखरे खून का सैंपल इकट्ठा किया था जिसे अब डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा। खड़िया के बारे में ये पता बता रहे हैं कि गोली चली पुलिस से तो गोली लग गई है, गोली लग के बाद खत्म हो गया है। क्या रिश्ता है तुम्हारा बलखड़िया जो है पारिवारिक चाचा लग रहा। 2 तारीख को जब मारकुंडी थाना एरिया में बलखड़िया की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, उसके बाद से ये लगातार खबरें आ रही है कि गंभीर रूप से घायल हुआ है। कुछ बलखड़िया के परिवारीजन हैं, उनसे संपर्क किया गया है तो उन्होंने बताया कि बलखड़िया की मृत्यु हो गई है, लेकिन इसको अभी पुष्टि होना बाकी है क्योंकि गैंग पहले भी एक बार अपने एक मेंबर की मौत की खबर चला के और उसको इलाज के लिए बाहर भेज के उसका इलाज करवा चुका है। तो इस पहलू से भी देखा जा रहा है, दोनों खबरें बार बार आ रही है। शाहजहांपुर में आसाराम यौन शोषण मामले के गवाह पर हमले के बाद पुलिस अब हरकत में आई है। पीड़ित लड़की और जानलेवा हमले में घायल हुए गवाह कृपाल सिंह के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि आसाराम के गुर्गे एक एक कर गवाहों को मरवा रहे हैं। मामले के मुख्य गवाह कृपाल सिंह को शुक्रवार को गोली मारी गई थी। पुलिस की 3 टीमें हमलावरों की तलाश कर रही हैं। और वहीं हमले में घायल आसाराम मामले के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। उनके दोनों हाथ और पैर सुन्न पड़ते जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी आरकेएस राठौर उन्हें देखने बरेली के मिशन अस्पताल पहुंचे हैं। डीआईजी ने कहा कि आसाराम प्रकरण में कृपाल सिंह की गवाही 2 महीने पहले हुई थी, उन पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। दरअसल आसाराम बापू यौन शोषण मामले में गवाह रामकृपाल सिंह पर कल जानलेवा हमला हुआ था जिसके बाद उन्हें बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शाहजहांपुर के रहने वाले कृपाल सिंह पर मामले में गवाही न देने का दबाव बनाया जा रहा था, उसे गवाही देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। कृपाल के इनकार पर कल उन्हें गोली मार दी गई। कृपाल के परिजनों ने आसाराम के गुर्गों पर ही वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है।
We are also talking to the family members, but in the interest of investigation,